कुर्ते और पैजामे दोनों की सिलाई करनी सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो ये है आगे का पल्ला, और सबसे पहले हम लोगों को आगे का पल्ला लेना है, और इसमें ऐसे करके आपको काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए कपड़े बनाकर पहले काज पट्टी या बटन पट्टी को लगाना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक पल्ला जो होता है बटन पट्टी का, उसे नीचे की तरफ रखेंगे, और यहाँ पे कट इसलिए लगाते हैं कि कर्व अच्छे से हो। और सबसे पहली बात, आप इसकी कटिंग का वीडियो जरूर देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से। फिर हम लोग ऐसे मोड़ के अच्छे से बटन पट्टी को बनाएंगे, और यहाँ पे ध्यान रहे बटन का पट्टी का जो कपड़ा होता है वो हम लोग नीचे से लगाते हैं और कांच की पट्टी का कपड़ा ऊपर की तरफ से। तो हमने बटन की पट्टी को लगा लिया है, अब यहाँ से आपको कट कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक लंबे कपड़ा लेना है, क्योंकि गले के पास बटन की पट्टी जो है थी वहाँ पे थोड़ा डिजाइन भी आना चाहिए ट्रायंगल के शेप में। तो हमने जैसा बोला था कि कांच की पट्टी को ऊपर से और बटन की पट्टी को नीचे से लगाते हैं, तो ये कांच वाला पट्टी है, इसे हम लोग बिल्कुल ऐसे ही ऊपर से करके सिलाई करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मार्जिन देकर आपको छोड़ देना है, और फिर इसे मोड़कर आपको काज पट्टी बनानी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो कहीं पे भी समझ में ना आए तो आप हमें वो टाइम, जैसे कि 1 मिनट 30 सेकंड में समझ में नहीं आया, तो टाइम के साथ हमें कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमें डिजाइन बनाना होता है थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ पे कपड़े को ऐसे कर्व कर लेते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो सबसे पहले काज पट्टी और बटन पट्टी के ऊपर एक फॉल्स वाला सिलाई करते हैं ताकि ये बराबर में रहें। फिर उसके बाद हम लोग जो काज का पट्टी होता है उसे क्रूस के सहायता से या फिर किसी भी चीज़ की सहायता, नुकीली चीज़ की सहायता से हम लोग उसे ट्रायंगल के शेप में बनाएंगे और वहाँ पर एक सिलाई करेंगे। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही ध्यान से धीरे धीरे करना है। अब हमारी ये काज और बटन पट्टी के नीचे का जो शेप होता है वो बिल्कुल अच्छे लगने लगे। अब हम लोग पीछे के पल्ला को लेकर शोल्डर के पास जोड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको सिलाई मशीन से रिलेटेड या सिलाई से रिलेटेड कोई भी सामान को परचेज करना है तो स्क्रीन पर जो लिंक दिख रहा है आप वहां से परचेज कर सकते हो। शोल्डर को जोड़ने के बाद हम लोग उसे सीधी करेंगे और ऐसे करके एक सिलाई करेंगे। अब हमारा आगे और पीछे का पल्ला शोल्डर की तरफ से जुड़ चुका है। अब हम लोगों ने जो काज और बटन पट्टी को जो फॉल्स सिलाई की थी उसे खोल देंगे, और जो हमने कटिंग के वक्त मार्जिन दिया था पैकेट के लिए वहाँ से आपको कपड़े को मोड़ना है बिल्कुल पतला सा, और इसे पैकेट के दूसरे सिरे तक बिल्कुल पतला सा मोड़ना है आपको दोनों दागों के बीच में। अब यहाँ पे आपको वैसे ही मोड़कर पतला सा आपको कर्व में, मतलब अगर आपको कर्व रखना है आगे और पीछे का पल्ला तो कर्व में, या फिर अगर आपको चकोर रखना है तो आप चकोर में मोड़ें। तो हमने यहाँ पे कर्व में रखा है तो हम यहाँ पे कर्व में ही मोड़ रहे हैं इसे। तो हमने इसे चारों तरफ से मोड़ लिया, आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला भी। अब हम लोग पैकेट के लिए कपड़े लेंगे। यहाँ पे हमने दो समान कपड़े को लिया है, और यहाँ पे पैकेट के लिए हम लोग आधा ही सिलाई करेंगे। हमने पैकेट को बना लिया, अब इसी के नाप से जितनी पैकेट के लिए हमने गैप छोड़ा था उतना दूर तक आपको सिलाई करना है। यहाँ पे आप चाहे तो शोल्डर के पास तक डबल सिलाई कर सकते हो, और पैकेट के पास 2-3 सिलाई करके मतलब एक गांठ की तरह बना दें। हम लोगों ने पैकेट का शेप भी बना लिया और पैकेट भी, यह पैकेट के लिए खाली जगह छोड़ दिया है। अब हमने जो पैकेट बनाया था उसे बीच से मोड़ना है और इसे तिरछा करके कट करना है। अब हमने पैकेट को भी कट कर लिया। अब आपको पैकेट को सीधी करनी है, और सीधी करने के बाद हम लोग पैकेट के निचले वाले जो हिस्से हैं आधा वाला उसे नीचे की तरफ रख के ऐसे सिलाई करेंगे।
यहाँ पे आपको बड़े ही ध्यान से सिलाई करना है और दो सिलाई करना है, और ध्यान रहे कि सिलाई एक दूसरे के ऊपर ही हो। अब यहाँ से हम लोग पैकेट के जो कवर थे उसे ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पे मोड़ कर पैकेट के किनारे को फिर से सिलाई करेंगे। पर सिलाई ऐसे करना है कि पैकेट के लिए जो हमने जगह छोड़ा था वो पूरी तरह से कवर हो जाए। दोस्तों आपको यहाँ पे बड़े ही ध्यान से पैकेट को लगाना है, और यहाँ पे हमने फास्ट इसलिए किया है ताकि आपकी ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, लेकिन आपको सिलाई करते वक्त बिल्कुल धीरे धीरे करना है और स्ट्रेट लाइन में सिलाई करनी है, मतलब बिल्कुल सीधी। क्या है ना कि पैकेट की सिलाई बाहर से भी दिखती है, तो अगर वो टेढ़ी रहेगी तो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आपको सीधी करना है। और यहाँ पे पूरे पैकेट पे नहीं किया जाता है, बिल्कुल आधा तक। और यहाँ से आप धागे को काट लें और बिल्कुल ऐसे ही करके आपको दूसरे पैकेट पर लगाना है। अब हम लोग बाजू की सिलाई करेंगे, तो बाजू की जो सबसे पहले किनारे होती है नीचे की तरफ का कलाई की तरफ, उसे हम लोग मोड़ लेंगे। हमने मोड़ लिया, अब इसे फिर से हम लोग ऐसे मोड़ेंगे और फिर इसके बाद किनारे में सिलाई करेंगे। बाजू में आप चाहें तो ऐसे दो सिलाई कर सकते हो। अब हम लोग पाइपिंग के लिए गले के पास, क्योंकि हम कॉलर वाला नहीं सी रहे हैं तो नॉर्मल पाइपिंग वाला मतलब आगे और पीछे बिल्कुल खोल गला रहेगा, हम लोग ये पाइपिंग के लिए कपड़े जोड़ रहे हैं। कटिंग करने के दौरान जो हम लोगों का फॉल्स कपड़ा बचा था, हम लोग उसी से ऐसे लंबे लंबे पाइपिंग निकालते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़े से ऐसी लंबी पाइपिंग बना लेते हैं। अब हम लोग काज पट्टी और बटन पट्टी के ऊपर जो फॉल्स कपड़ा है थोड़ा बहुत उसे काट के मतलब कर्व के शेप में देंगे और पाइपिंग को ऐसे ही मोड़ के काज पट्टी के ऊपर लगाएंगे और इसे किनारे में बिल्कुल सिलाई करते हुए बटन पट्टी तक ले जाएंगे। हमने यहाँ पे बटन पट्टी तक सिलाई को कर लिया है, मतलब पाइपिंग को जोड़ लिया है। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल इसे उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद पाइपिंग को मोड़कर बिल्कुल दोनों जोड़ के बीच में आपको सिलाई करनी है। बिल्कुल आपको ऐसे ही मोड़ के सिलाई करना है क्योंकि हेम करने में सहूलियत हो इसके लिए। हमने पाइपिंग को भी जोड़ लिया है। अब दोनों जो बाजू था उसकी देख लेना है चौड़ाई, और यहाँ पे सामने की तरफ जो होते हैं बाजू का वहाँ पे हम लोगों को कर्व करके एक इंच के शेप में कटिंग करना है। ध्यान रहे कि दोनों बाजू में आगे की तरफ करना है, तो एक बाजू में कटिंग करने के बाद दूसरे बाजू को हम लोग पलटाते हैं और फिर उसके करते हैं कटिंग। ये कटिंग वैसे सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन हम इसलिए करते हैं ना कि आगे में मतलब आर्म होल के पास कपड़े ज़्यादा फॉल्स दिखे नहीं, उसके लिए ये वाला कटिंग किया जाता है। हमने आगे और पीछे की तरफ के कटिंग कर लिए, और बाकी जो बाजू में फॉल्स कपड़े हैं आप चाहे तो उसे कट कर सकते हो या फिर आप वैसे ही रहने दें। और दोस्तों आपको स्क्रीन पे जो वेबसाइट दिख रही है आप यहाँ से सिलाई मशीन कैंची फीता ये सब वगैरह खरीद सकते हो। हमने दोनों बाजू को कंप्लीट कर लिया है। ये आगे का पल्ला है, मतलब आगे का बाजू है वहाँ पे वो कटिंग हुआ है। बाजू की लंबाई आपको नाप लेनी है एक बार फिर से, क्योंकि हम लोग कटिंग करने के दौरान ही मार्जिन छोड़ कर नापे हैं तो बाजू छोटी होगी नहीं। अब यहाँ पे हम लोग बाजू को लगाएंगे, तो लगाते वक्त आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे बाजू के जोड़ और कमीज के जोड़ को एक दूसरे के विपरीत करके आपको किनारे पे कपड़े को मिलाकर सिलाई करनी है। हम यहाँ पे आपको एक ही बाजू को जोड़ना दिखाएंगे ताकि आपकी भी टाइम बचे और दूसरी बाजू आप खुद से जोड़ने की प्रैक्टिस करें। और दूसरी बात, अगर आप पंजाबी कुर्ता बनाना चाह रहे हो और आप अगर नए हो पहली बार सिलाई कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि घर की पुरानी साड़ी का कटिंग करें और उसी से बनाएं, आपके हाथ भी फ्रेश होंगे और नए कपड़े भी बर्बाद नहीं होंगे। हमने यहाँ पे एक बाजू को जोड़ लिया, मतलब तो बाजू हमारी बिल्कुल पूरी तरह से ये फिट है। अब हम लोग दूसरे बाजू को जोड़ेंगे, तो दूसरे बाजू को भी बिल्कुल वैसे ही करके जोड़ना है। वैसे मैंने यहाँ पे वीडियो फास्ट कर दिया है, लेकिन बाजू को जोड़ते वक्त थोड़ा सा स्लो ताकि आपको समझ में आए। तो हमने दोनों बाजू को भी जोड़ दिया है, अब हमारी कुर्ता कंप्लीट हो गई। अब हम लोग पजामे की सिलाई करेंगे, तो ये पजामे का जो कमर पट्टी होता है वहाँ पे आपको ऐसे कर्व करके मोड़ना है। यहाँ पे मतलब डोरी के लिए दोनों सिरे पे आपको ऐसे ही करके मोड़ लेना है।
और दोस्तों अब हम लोग पजामा की सिलाई कर रहे हैं, तो आपको अगर कहीं भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पजामा की सिलाई बिल्कुल वैसे होती है जैसे सलवार सूट में होती है। तो हमने एक पल्ला को वैसे ही करके मोड़ लिया है, अब इसे आपको ऐसे करके मोड़ना है और यहाँ पे कपड़े को मोड़ना है, क्योंकि क्या है ना कि ये वाला हिस्सा मतलब बाहर की तरफ से भी दिखेगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कपड़े के किनारे को ऐसे मोड़ लेना है और सिलाई करना है। यहाँ पे आपको वैसे एक ही सिलाई करनी होती है। हमने एक तरफ के पल्ले को तैयार कर लिया है, अब आपको दूसरे मतलब दूसरे पैर के पल्ले को ऐसे ही करके तैयार करना है। हमने दोनों मतलब दोनों पल्लों को ऐसे तैयार कर लिया है, ये एक पल्ला ऐसे कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी पल्ला भी। अब हम लोगों को मियाने जोड़ना है। तो अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका कटिंग का लिंक है, मतलब पैजामा कुर्ता एक साथ का, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हमने जो आसन के पास जो थोड़ा सा कर्व छोड़ा था वहीं पे मियाने को जोड़ते हैं। मियाने जोड़ने के बाद हम लोग इसे सीधा करेंगे और फिर से इसके ऊपर एक पतली सी सिलाई करेंगे, मतलब आधा सेंटीमीटर के गैप में। हमने एक पल्ला में मियाने जोड़ लिया, अब आपको दूसरे पल्ला में भी ऐसे ही करके मियाने जोड़ना है। इसी जगह हम लोग मियाने को लगाते हैं, ये दूसरा पल्ला है और हम लोग यहाँ भी इसे करके मतलब मियाने को जोड़ेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक इसकी कटिंग नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर इसकी कटिंग को देख लीजिएगा। यहाँ भी हम लोग मियाने को जोड़ लेने के बाद उसके ऊपर से फिर से एक सिलाई करेंगे। क्या है ना कि मियाने की तरफ मतलब चार सिलाइयाँ होती हैं, तो हर तरफ मियाने में हम लोग डबल सिलाई कर लेते हैं। अब हम लोग दोनों पल्ला को सटाकर जोड़ेंगे और यहाँ जो मियानी है तो मियानी के पास से हम लोग कर्व करके फिर से सिलाई करेंगे। अब सिलाई करने के बाद हम लोग इसे सीधी करेंगे और सीधी करने के बाद फिर से यहाँ पे एक बार मियाने के ऊपर सिलाई करेंगे और इसे आसन के तरफ से होते हुए बाहर निकाल लेंगे, या फिर आप चाहें तो यहीं तक कट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ आसन की तरफ से बाहर इसलिए निकालते हैं ताकि देखने में अच्छी लगे और डबल सिलाई हो। हमने सिलाई कर लिया है, अब हम लोग दोनों सिरे को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और ये जोड़ते वक्त जो फाइनल मियानी होता है तो वहाँ पे हम लोग सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे वैसे हम लोगों की एक ही सिलाई होगी, लेकिन सिलाई करने के बाद हम लोग इसे सीधी करते हैं और फिर से इसके मियानी को कम्प्लीटली जोड़ लेते हैं। यहाँ पे आपको जोड़ने के बाद इसे सीधी करनी है और फिर से अब आगे वाले पल्ले में आसन की तरफ से डबल सिलाई करके निकालना है। इसमें वैसे आगे और पीछे दोनों का सेम ही होता है और पैकेट तो लगाना है नहीं, जो हम लोगों को कोई इशू हो। अगर आप पैकेट लगाना होता तो उसके लिए हम कभी और कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें पैकेट लगाकर हम आपको दिखा देंगे। हम लोगों ने मियाने को जोड़ लिया है, अब निचला हिस्सा को जोड़ना है। तो अब हम लोग फिर से इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद पैर की तरफ से लेकर मियाने की तरफ तक जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर मियाने के ऊपर से ऐसे एक सिलाई लेकर जाएंगे नॉर्मली जोड़ की तरह और इसे दूसरे पैर के पास हम लोग निकाल लेंगे। और स्क्रीन पे जो आपको लिंक दिख रही है दोस्तों, तो आप यहां से सिलाई मशीन, कैंची, फीता या कोई भी चीज़ जैसे डोरी लेस, आपको कुछ भी सिलाई से संबंधित खरीदना है, बॉकरन वगैरह, तो आप यहां से इजीली खरीद सकते हैं। अब यहां पे हम लोग दोनों पैरों की जो साइज है वो सेम नाप लेंगे और वहीं तक सिलाई करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि एक पैर का सिलाई थोड़ा मोटा हो जाए और एक पैर का थोड़ा पतला। हमने यहाँ पर एक सिलाई कर लिया है, अब अगर आप चाहें तो डबल सिलाई भी कर सकते हो, ये और भी अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पे दोहरा कर और एक सिलाई कर लेते हैं कि जल्दी पैर की सिलाई वैसे फटे नहीं। तो दोस्तों हम लोगों ने सिलाई कर लिया और मियाने भी हम लोगों की जुट गई। अब हम लोग इसे आराम से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद समेट कर रख देंगे।
या फिर जिसके घर किसी कस्टमर गए तो उसे डिलीवर कर देंगे। ये हमारी सेट भी तैयार हो चुकी है, हम लोगों ने इसे भी प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इसे आपको अच्छे से मोड़ लेना है, और हमने इसे मोड़ लिया। और ये रहा शर्ट और पैजामा, मतलब दोनों तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।